टीआरसी रेसिपीज एंड आर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फ्रेश नारियल की बर्फी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नारियल का ऊपर का ब्राउन वाला हिस्सा निकाल दिया है और सफेद हिस्सा मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, वही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर पैन में 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 1.5 कप ग्राइंड किया हुआ नारियल ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर कम हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद मॉइस्चर कम हो गया है और ये सेपरेट भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश क्रीम या दूध भी ऐड कर सकते हो। इसे मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्सचर को परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मिक्सचर को थोड़ा सा कम पकाया तो हमारी बर्फी सेट नहीं होगी, और अगर हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा पक गया तो वो पूरा ड्राई हो जाएगा और फिर भी हमारी बर्फी सेट नहीं होगी। इसीलिए मिक्सचर को परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक पकाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ऐड कर दी है। इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हमें इसे तब तक पकाना है कि जब तक मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। इस पूरी प्रोसेस को हमें 7 से 8 मिनट तक लग जाएंगे। अब हमारे मिक्सचर में से मॉइस्चर कम हो गया है और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बर्फी का मिक्सचर रेडी है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब हम एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी बर्फी जब सेट होगी तब वो प्लेट को चिपकेगी नहीं। अब ये सारा मिक्सचर प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और पूरा एक जैसा स्प्रेड कर लेंगे और इस तरह से स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। इसे ज़्यादा थिक भी नहीं सेट करना है और ज़्यादा थिन भी नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्पैचुला से एकदम परफेक्ट सेट कर ली है। अब मैं यहाँ पर बारीक चॉप किए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इस तरह स्पैचुला से एक बार इस पर टैप कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 7 से 8 घंटे तक इसे सेट होने के लिए रख देंगे। इसे सेट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तभी वो अच्छे से सेट हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 घंटे तक इसे सेट कर लिया है और अब ये अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हमारी बर्फी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। बर्फी एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। बर्फी का कलर भी बहुत सुंदर आया है और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। तो हमारी फ्रेश कोकोनट बर्फी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.